इसी की वजह से मेरा बच्चा अच्छा हुआ है। कौन हो तुम बेटा, कौन हो? मेरा नाम बालवीर है। बालवीर? 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 कैसे तुम्हारा शुक्र अदा करूं बेटा, तुमने मेरे बच्चे को अच्छा कर दिया। आपको मुझे शुक्रिया करने की कोई जरूरत नहीं है। बच्चों की मदद करना तो मेरा फर्ज है और इस दुनिया के सारे बच्चे मेरे दोस्त हैं। थैंक यू बालवीर, तुम सचमुच बच्चों के सच्चे दोस्त हो। ये बालवीर की ही गंध है। हाँ, ये उसी की गंध है। कहाँ है वो? पूरा बालवीर। मैं तुम्हें जितना बेवकूफ समझती थी, तुम तो उससे भी ज्यादा ना समझ निकली रानी परी। मेरे शिकार को यूं ही खुला छोड़ दिया, अकेला और निहत्ता। बालवीर, बस कुछ ही पलों में तुम मेरे गुलाम होगे, मेरे वश में होगे, भयंकर परी के। इतना करीब था वो मेरे, फिर भी मैं उसे छू नहीं पाई। मेरी शक्तियां उस पर असर क्यों नहीं कर पाई? ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। तौबा 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 तौबा, क्या देख रहे हो पानी में? है कितने मजेदार ये चुटकुले। तौबा तौबा, बहुत हंसी आ रही है, अब हंसो। हेलो, यहाँ पर इतना कुछ हो गया और तुम्हें चुटकुले दिखाई दे रहे हैं। इतना करीब था वो मेरे, इतना करीब कि मैं उसे अपने हाथों से मसल सकती थी, लेकिन उसे छू भी नहीं पाई। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है? पता क्या मुझे, वो समझती आप तो मुझे बेवकूफ, बेकार, बिल्कुल अपनी तरह। क्यों करूं मैं कि उसका सुरक्षा चक्र टूट जाए? क्यों करूं मैं? सुनिए, सॉरी सर, हमारा राहुल बिल्कुल अच्छा हो गया है। क्या क्या बात कर रही हो तुम? पर ये चमत्कार हुआ कैसे? आसमान से इसकी तरफ एक बिजली आई, मैं तो बड़ा घबरा गई, सोचा कि इसके साथ कुछ गलत ना हो जाए, पर ये तो एकदम अच्छा हो गया। पर वो बिजली चमकाए किसने? हाँ, ये है कौन जो हर बच्चे की रक्षा करता है? मैं जानती हूँ उसका नाम, बीबीबी। बीबीबी? हाँ, बीबीबी यानी बच्चों को बचाने वाला बालवीर। बालवीर? मैंने आपको बताया था ना उस दिन, वो मोंटू हम परेशान कर रहा था, तो बालवीर ने हमें बचाया। सच में ऐसा? हाँ हाँ, ये सच है, बच्चे सच कह रहे हैं। उस दिन मेरे बेटे रॉकी को पेड़ से आराम से नीचे उतारा था बालवीर ने। हाँ सर, वो हमारा फ्रेंड है। ये बालवीर के बारे में क्या बातें हो रही है? और एक ये है,
जब बालवीर सब काम ठीक कर देते हैं तभी आता है, हमेशा लेट। अरे वो मुझे प्यास लगी थी ना इसलिए। ठीक है बल्लू बेटा, तुम्हारा फोर्थ स्टैंडर्ड में एडमिशन हो गया। आज बालवीर ने राहुल को कैसे बचा लिया ये कमाल तो मैं नहीं जानता, लेकिन तुमने जो एक दिन में सब कुछ सीख लिया, सब कुछ समझ लिया, ये कैसे हुआ? ये कमाल तो मेरे गुरुजी के पढ़ाने की वजह से हुआ है। गुरुजी? महर, है ना महर? Very nice बेटा, तुमने इसे बहुत अच्छा पढ़ाया। I am proud of you. Thank you sir. खुश रहो डुबा डुबा, खुश रहो। खुश रहो नाराज परी, खुश रहो ताराज परी। डुबा डुबा, जाके रानी परी से कहो कि हम उनसे किसी जरूरी काम के लिए मिलना चाहते हैं। जी। खुश रहो डुबा डुबा तीन। खुश रहो डुबा डुबा चार। खुश रहो। मिलना चाहती है रानी परी से ताराज परी नाराज परी। खुश रहो डुबा डुबा दो। खुश रहो। खुश रहो डुबा डुबा तीन। खुश रहो। आई है रानी परी से मिलने नाराज परी ताराज परी। खुश रहो डुबा डुबा एक। खुश रहो। खुश रहो डुबा डुबा दो। खुश रहो। आई है रानी परी से मिलने नाराज परी ताराज परी। हे आई नाराज परी ताराज परी मिलने आपसे, वो आज्ञा आपकी तो भेज दो अंदर उनको। आ गया है। जरूर जाए बुलाया। है मिल सकती आप रानी परी से। खुश रहो रानी परी। खुश रहो। खुश रहो नाराज परी। खुश रहो ताराज परी। कहिए क्या जरूरी बात है रानी परी? हम आपसे बहुत नाराज हैं। नाराज होना तो आपका स्वभाव है, लेकिन रानी परी हमारा नाराज होना कोई बेवजह तो नहीं है। यहाँ इस परीलोक में सारी परियों को शक्तियां मिली हुई हैं और आपकी आज्ञा से वो उन्हें इस्तेमाल भी कर सकती हैं। रानी परी, सिर्फ हम दोनों की ही शक्तियां आपने हमसे छीन ली हैं। कृपया हमें हमारी शक्तियां वापस लौटा दीजिए ताकि हम उसका सही इस्तेमाल कर सके। अगर आप इसका सही इस्तेमाल करती तो हमें आपकी शक्तियों को छीनने की जरूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन रानी परी, गलतियां तो सबसे होती हैं और हम आपसे अपनी गलती के लिए क्षमा भी मांग चुके हैं। क्षमा सिर्फ कह देने से नहीं मिलती है, अपनी गलतियों को दिल से मानना पड़ता है और उसे सुधारना पड़ता है। लेकिन रानी परी, यहाँ परी लोक में अगर किसी और परी से गलती हो जाए तो उसे तो बहुत जल्दी माफी मिल जाती है सिवाय हमारे, क्योंकि आपकी शक्तियां ही ऐसी हैं। नाराज परी, आपको गुस्सा बहुत जल्दी आता है, इसलिए आप अपनी शक्तियों से किसी को भी गुस्सा दिला सकती हैं। और ताराज परी, आपकी शक्तियों से वो इंसान गुस्से से तबाही मचा सकता है जो कहीं ना कहीं दूसरों के लिए हानिकारक है। इसलिए जब तक हमें नहीं लगता कि आपको सचमुच अपनी गलतियों का एहसास हो गया है, हम आपकी शक्तियां नहीं दे सकते। लेकिन रानी परी, आराम। महर, दो सीटी बजने के बाद गैस बंद कर देना। माँ, मैं मेरा भारत मान का निमंत पढ़ रही हूँ, अगर कुकर बंद करने जाऊँ तो सब भूल जाऊंगी। बेटा 2 मिनट लगेंगे, नहीं तो दाल जल जाएगी। अरे बालवीर है ना, उसे बोलती हूँ। बालवीर, बालवीर, 2 सीटी के बाद गैस बंद कर देना प्लीज। महर, इतने छोटे छोटे काम के लिए बालवीर को बुलाना सही नहीं है। मैं करके आता हूँ। नहीं, मैंने तुझे कहा है? नहीं ना, मुझे बोला। और मेरी मर्जी में किसी से भी गैस बंद करवाऊ। तू चुपचाप बैठ, सब समस्या तेरी। चल, तू घर के काम करके
सबका लाडला बनना चाहता है ना? नहीं नहीं महर। नहीं नहीं क्या? हाँ हाँ तो चुपचाप बैठ, आज तो ये गैस बालवीर ही बंद करेगा। बालवीर बालवीर, दो सीटी के बाद किचन में गैस बंद कर देना। अब तू देखना थोड़ी देर में कैसे गैस बंद हो जाता है। एक और सीटी के बाद बालवीर गैस बंद कर देगा। बालवीर, नटखट परी, जाके गैस बंद कर दो ना। मुझे नहीं, बालवीर को बोला है मेहर ने। पर बालवीर तो यहाँ है, वो कैसे जा सकता है? हाँ, हे रानी परी, शक्ति देख हरी, आई है मुश्किल, करो जादू ऐसा, हो जाए बालवीर छोटा मेरे जैसा। जाओ बालवीर, जल्दी से गैस बंद करके आओ। बालवीर, दो सीटी हो चुकी है, गैस बंद कर दो। अरे गैस तो इतना ऊपर है, ये पहाड़ की चढ़ाई कैसे चढ़ूं? मतलब बालवीर ने गैस बंद कर दिया। देखा बल्लू, बल्लू कहाँ चला गया? बल्लू, बल्लू कहाँ चला गया? बल्लू, बल्लू मेरे सामने से तो नहीं गया था, फिर गया कहाँ? बल्लू, 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 बल्लू। बल्लू, अरे बल्लू, तू बेड के नीचे क्या कर रहा है? वो मैं मेरी पेन ढूंढ रहा था। तो पेन है कहाँ? मिले नहीं ना, मैं ढूंढता हूँ। महर, थैंक यू बेटा, तुमने टाइम पर गैस बंद कर दिया, वरना दाल जल जाती।
अरे माँ, अगर थैंक यू बोलना है तो बालवीर को बोलो, मैंने गैस नहीं बंद किया, उसने किया। हाँ, और कोई काम हो तो मुझे बोलना, मैं उसे बता दूंगी। हाँ, एक काम है, खाना खाने का, वो भी तुम बालवीर से करवा लो ना। ए, तू क्या खिखी कर रहा है? बालवीर को बोलूंगी ना तो तेरी भी कान खींच लेगा। मेरी ही गलती थी जो मैंने रानी परी को कमजोर समझा, लेकिन अगर रानी परी ने उसे सुरक्षा चक्र में डाला है तो उसका कोई ना कोई तोड़ जरूर होगा, मगर वो रास्ता रानी परी तो मुझे बताएगी नहीं। मैं कैसे पता लगाऊं कि बालवीर का सुरक्षा चक्र कैसे तोड़ा जाए? और कौन कर सकता है मेरी ये जानने में मदद? कौन? हम कर सकते हैं आपकी मदद भयंकर परी। नाराज तरास परी, तुम दोनों यहां भयंकर लोक में क्या कर रहे हो? हम आपकी मदद करने आए हैं भयंकर परी। तुम करोगे मेरी मदद? क्या रानी परी जानती है इसके बारे में? नहीं भयंकर परी, अगर रानी परी को यह पता होता तो क्या वो हमें आपकी मदद करने देती? लेकिन आपको हमसे एक वादा करना होगा कि आप रानी परी को ये नहीं पता लगने दोगे कि हम आपकी मदद कर रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा है कि तुम दोनों हिम्मत दिखा रही हो या डर रही हो? हमें पता है कि बालवीर का अदृश्य सुरक्षा चक्र कैसे तोड़ा जा सकता है और कैसे आप उसे अपने वश में कर सकते हैं। जल्दी बताओ नाराज तरास, अब मुझसे और इंतजार नहीं होता। परीलोक का सिंहासन दिन रात मेरी आंखों के सामने घूमता है, मुझे उस पर बैठकर पूरे परीलोक और पृथ्वीलोक पर राज करना है। जल्दी बताओ। परी भयंकर है करना राज आपको, पर मदद उसमें नहीं कर पाएगी ये मामूली परिया। कर पाएगा मदद आपकी आपका खास ये तोबा तोबा। मत सुनना इनकी, सुनना मेरी, क्योंकि है बनना मुझे ही आपका प्रधानमंत्री, जब बनेगी आप रानी। भयंकर परी, अगर ये पिद्दी आपका प्रधानमंत्री बनेगा तो हम दोनों कहाँ जाएंगे? और भयंकर परी, हमने सिर्फ आपके भरोसे परीलोक भी छोड़ दिया है, और हम दोनों तो ये सपना देख रहे हैं कि आप रानी बनकर सिंहासन पर बैठी हैं, मैं आपकी दाई ओर और तराज आपकी बाई ओर, और ये पिद्दी और हूँ मैं बैठा एक छोटे से सिंहासन पर बगल में परी भयंकर के। है ना परी भयंकर, कह रहा हूँ ना सही है? भयंकर परी, बहुत छूट दे रखी आपने इस छुटकू को। अरे नहीं नहीं, इसे तो मैंने अपने मनोरंजन के लिए यहाँ रखा है और मेरे थप्पड़ खाने के लिए। देखना चाहोगे? अरे अरे, झाड़ दिया झापड़ अपने एक साथ पूरे महीने के। तोबा तोबा हो गए तेरे तो। तोबा तोबा। नाराज तराज, अब और मत तरसा, जल्दी बताओ कैसे तोड़ सकते हैं बालवीर का सुरक्षा चक्र? आसान है उसका सुरक्षा चक्र तोड़ना, बस किसी तरह बालवीर को भयानक लोक लेकर आना होगा। हाँ, क्योंकि रानी परी ने बताया कि बालवीर का सुरक्षा चक्र केवल भयानक लोक में ही तोड़ा जा सकता है, और यही ऐसी इकलौती जगह है जहां बालवीर को आप अपने वश में कर सकती हैं।